अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अजीज़ तुलबा तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम जमात तीसरी मजमून माहौल का मुताला, सबक नंबर 21 इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए आम इंतज़ामात का मुताला करेंगे। उससे पहले डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमों सबसे पहले आप देख सकें। प्यारे बच्चों, इन तस्वीर का बगौर मुताला कीजिए, अवामी इंतज़ामात और सहूलतें आपके सामने नज़र आ रही हैं। हम गांव या शहर में रहते हैं, गांव की आबादी कम होती है, शहर की आबादी ज़्यादा होती है। शहर में कारखाने होते हैं, बाज़ार होते हैं जहां रोज़गार हासिल करने के मौके ज़्यादा होते हैं। अवामी सहूलतें शहरों में बड़े पैमाने पर मुहैया होती हैं। गाँव हो या शहर, वहाँ का कारोबार वही के इदारे संभालते हैं। इन्हें मकामी हुकूमती इदारे कहा जाता है। तो गांव के इंतज़ामात ग्राम पंचायत संभालती है, शहरों के इंतज़ामात नगर पालिका संभालती है और बड़े शहरों के लिए महानगर पालिका यानी कॉरपोरेशन हुआ करती है। अब प्यारे बच्चों, तस्वीर में आपके सामने नज़र आ रहे, देखो यहाँ पर पानी की टंकी, उसके बाद अस्पताल, पुलिस चौकी, उसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए बस स्टैंड वगैरह नज़र आ रहे हैं। तो अपना खानदानी अपना घर होता है, घर से बाहर हमारी ज़िंदगी अवामी हो जाती है। अवामी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ सहूलतों की ज़रूरत पेश आती है। अवामी सहूलतें यानी हम सब के लिए किए जाने वाले इंतज़ाम। तो प्यारे बच्चे, हुकूमत की तरफ से ये इंतज़ाम होते हैं, जैसे सवारियाँ, स्कूल, दवाखाने जैसी कई सहूलतें हैं जो हम अवामी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अवामी खिदमात और सहूलतों के लिए यकसा तौर पर मुहैया होती है। हमें इनका इस्तेमाल ज़िम्मेदारी के साथ करना चाहिए, देखभाल ज़रूरी है प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना चाहिए, तोड़फोड़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो हर गांव के लिए ग्राम पंचायत होती है। 1 मई 1960 को रियासत महाराष्ट्र का कायम अमल में आया था। उस वक्त महाराष्ट्र में 21,636 ग्राम पंचायतें थीं। ये तादाद 2010 में 27,993 हो गई। ग्राम पंचायत के क़याम के लिए गांव की आबादी 500 तक होना ज़रूरी है। 500 से कम आबादी वाले दो या तीन गांव के मिलकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है, जिसे मुश्तरक ग्राम पंचायत कहा जाता है या फिर मिली जुली ग्राम पंचायत कहा जाता है। अब इन तस्वीरों का मुशाहदा कीजिए। यहाँ पर देखिए इनलैंड लेटर का जायज़ा लेती हुई लड़की, मकामी हुकूमत तुम्हारे इलाके में जो सहूलतें मुहैया करती है इनकी फहरिस्त बनाने की हमको, फिर अपने वालिद के साथ बैंक में जाने वाली लड़की, फिर दूध डेयरी, फिर इमदाद बाहमी इदारा यानी कपड़ा मिल वगैरह। अब प्यारे बच्चों, अवामी खिदमात और सहूलतें हमें हमारे ज़रिए अदा किए गए टैक्स से मुहैया की जाती है। हमें एहतियात के साथ इनका इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी अवामी सहूलतों पर बोझ बढ़ जाता है, लेकिन हम मिलजुल कर ये मसला हल कर सकते हैं। पानी की फराहमी और अवामी सफाई की खिदमात मकामी हुकूमत के ज़रिए मुहैया की जाती हैं, लेकिन हमें इससे ज़्यादा सहूलतों की ज़रूरत होती है। अपने गांव में तुमने बैंक देखा होगा अजीज़ तलबा तलबात, अपने वालदेन खर्च के बाद बचने वाली रकम बैंक में रखते हैं। बैंक में अपना पैसा महफूज रहता है। सरकारी बैंक अच्छी होती है प्यारे बच्चों, प्राइवेट बैंक अक्सर फ्रॉड होते रहते हैं, तो उससे बचना चाहिए। रुपये की बचत होती है, ज़रूरत के वक्त उसे बैंक से निकाला जा सकता है। ज़रूरतमंद लोगों को बैंक कर्ज भी देती है। तो रिश्तेदार और दोस्तों से राब्ता कायम करने के लिए डाक की खिदमात इस्तेमाल की जाती है, जैसे प्यारे बच्चों लड़की खत पढ़ रही है। हम दुनिया भर में किसी भी जगह खत भेज सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सनतों या कारोबार से हासिल होने वाला मुनाफा आपस में तकसीम कर लेते हैं। लोगों के बाहमी ताउन से कायम किए गए ये इदारे इमदाद बाहमी इदारे कहलाते हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए, क्या तुम्हें मालूम है तकरीबन 400 साल पहले डाक का निज़ाम नीचे दिए हुए तरीके से चलता था। यानी गोवलकोंडा में 2-3 मील के फासले पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ हुआ करती थी। पहली झोपड़ी में एक हरकारा यानी डाक ले जाने वाला शख्स मौजूद रहता था। पहला हरकारा डाक का थैला पहली झोपड़ी से लेकर दूसरी झोपड़ी तक पहुँचा देता था। वह दूसरा हरकारा उसे ले जाने के लिए तैयार रहता था, तो उसे लेकर फौरन उसके आगे की झोपड़ी में डाल जाता था। इस तरह डाक ले जाने का काम किया जाता था। ये इंतज़ाम ही डाक का निज़ाम कहलाता है।
तो इस वीडियो में हमने सीखे अवामी सहूलतें यानी हम सब के लिए किए जाने वाले इंतज़ाम। गांव के इंतज़ाम ग्राम पंचायत संभालती हैं, शहरों के इंतज़ाम नगर पालिका संभालती है, बड़े शहरों के लिए महानगर पालिका यानी कॉरपोरेशन हुआ करती है। अवामी खिदमात और सहूलतों का इस्तेमाल एहतियात के साथ हमें करना चाहिए। तो अजीज़ तुलबा व तालबात, अगर आपने अभी तक डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, इसमें तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड